अब हम रंग लेते हैं, यह सही रहेगा। और इसमें अंडा डालते हैं। वाव वाव, ये कितना सुंदर लग रहा है। और लाइट बंद करने का समय है। हे भगवान, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, ये एक विस्फोट है। ओ, 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 मुझे खेद है गलती से। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? एक कलर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन रेनबो के सभी रंग 100 गुना बेहतर हैं। क्या हुआ ना? हाँ, यह निश्चित रूप से 5-स्टार लाइफ हैक है। हाँ, इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा। तुम मेरे हो मेरे प्यारे, एक बार और हमेशा के लिए। अब मैं वो वहाँ है। जरूरत है किसकी? यहाँ क्या चल रहा है? अरे ब्रिटनी, ये सब बकवास करना बंद करो। स्कूल लाइफ हैक की जांच करो। चलो ट्राई करते हैं। क्या? हाँ okay. तो बढ़ो आगे। तो यह बोतल एकदम सही है, इसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं इस सोडा से जल्दी निपट लूंगा। सुपर, ठीक है। और इस तरह अंडा। हाँ या बैम। और ये यहाँ रहा। एक मोमबत्ती डालते हैं और उसे जलाते हैं। और ये रहा रियल मोमेंट। ओह, कुछ नहीं हो रहा है। खैर, हमारे पास बहुत सारी मोमबत्तियाँ हैं। और यह, ओह, ये बकवास है। 3 मोमबत्तियाँ। यह निश्चित रूप से काम करेगा। लाइफ हैक, रुको। ओह, 2 स्टार्स। हैप्पी बर्थडे। क्या गिफ्ट मेरे लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितने बड़े हैं। बोरिंग। ब्रिटनी, ब्रिटनी देखो, हमें बस इस लाइफ हैक को किसी तरह ट्राई करना है। क्या कहती हो? ठीक है, हमारे पास उसके लिए सब कुछ है। चलो जल्दी करो। तो यहाँ अंडे हैं और यहाँ हमारे स्पार्कलर है। अब हम अंडे को ठीक से लगाएंगे। और अब स्पार्क, ये तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आगे क्या होगा? ओ यार, ये काम किया। हाँ, और अंडा भी खराब नहीं हुआ। बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद आया। स्वादिष्ट, तुम खाओगी? नहीं धन्यवाद। लाइफ है 5-स्टार। तो टिकटॉक में नया क्या है? वाव, यह हुई ना बात। वाव, हमें बस इसे आजमाना है। चलो ब्रिटनी के पास जाता हूँ। ओह योगा, इस तरह। कभी कभी यह मुश्किल होता है। अरे ब्रिटनी, तुम वहाँ क्या सो गई हो क्या? उठो, ये नए लाइफ हैक को चेक करने का समय है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। तो हम फ्रिज से सभी अंडे लेते हैं। ओह हाँ, यह वाला। और यह यहाँ रख दिया। और यह केटल बेल। आउच एलेक्स, तुम चीजों को मुश्किल बनाना पसंद करते हो। हमें केटल बेल की जरूरत क्यों है? देखो यह कैसे किया जाता है। या चलो ऐसे। वाह, यह काम किया। चलो देखो, मैं करके दिखाती हूँ। यह कितना मजेदार है। 5-स्टार। एलेक्स, मुझे खाना बनाने में डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? दिलचस्प है। Okay. चलो इसे ट्राई करें। यह एक्वेरियम सही रहेगा। ठीक है, चलो काम करते हैं। हमने सभी अंडे एक साथ रखे। यह हुई ना बात। बढ़िया। विनेगर। हाँ,
क्या मुश्किल है, गंदा। हम पूरे पैकेज को बाहर निकालते हैं। बढ़िया, अब थोड़ा इंतजार करना बाकी है। लगता है जल्दी तैयार हो जाएगा। हो गया। बहुत टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, आखिरकार। सुनो, मुझे लगता है हमने कर लिया है। वाओ, कितना अच्छा। वाओ, वो ऐसे ही बन गया है। स्क्विज, मुझे स्क्विज बहुत पसंद है। हम दिन भर इससे खेल सकते हैं। ये बहुत मजेदार है। 5 स्टार। ये लो। और ये आपके लिए। ओह, मैं कितना थक गया हूँ। क्या ये नहीं हो सकता, इतना अच्छा लाइफ है। खैर, नींद इंतजार कर सकती है। ब्रिटनी, मुझे आशा है तुम सोई नहीं होगी। Okay. अरे उठो बहन, हमारे पास एक जरूरी काम है। ठीक है, यदि तुम सोना चाहती हो तो मैं यह कूल लाइफ है खुद ही करूँगा। केवल इसके लिए सही सामान ढूंढना है। यह ठीक रहेगा। हाँ, ये वाला मैं इसे ले लेता हूँ। ओ, 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 ये शोर कैसा है, क्या कोई चोर आ गया है? बेहतर होगा तुम दूर रहो, मुझे कुंग फू आता है। ओ, ये कौन है? एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो इसे ट्राई करें। चलो बस चुप रहो, चलो चलते हैं। तो चलो लेगिंग लेते हैं और उसमें अंडा डालते हैं। हमारे अंडे के लिए एक असली मनोरंजक पार्क का इंतजाम करते हैं। ये कितना मजेदार है। माफ करो भाई। ओप्स, खैर वहाँ क्या है? क्या लगता है हमने कर लिया? अब हम पता लगाएंगे। थोड़ा और धैर्य ब्रिटनी। और अब यहाँ यह है असली मोमेंट। हम इसे साफ करते हैं, शेल हटाएंगे और इसे काटेंगे। नहीं, यह बेकार है। यह भी ठीक वैसा नहीं है जिसकी जरूरत है। और यह, हाँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही निकला जैसा उसे होना चाहिए। 4 स्टार, बुरा नहीं है। अरे ब्रिटनी, क्या तुम वास्तव में कुछ अच्छा देखना चाहती हो, कुछ मजेदार सा? हाँ, इसे पकड़ो, अब तुम सब कुछ देखोगी। चलो इसमें गुलाबी रंग डालते हैं। और इसमें पीला, और इसमें नीला। दूसरे रंगों को भी नहीं भूलना है। तो अब एक खाली सफेद कैनवास लेते हैं। और बैम, एलेक्स, अरे ये वास्तव में मजेदार है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ कि मेरा स्ट्रेस घट रहा है और मूड भी अच्छा हो जाता है। बस केवल उस पिक्चर को देखो, कितना सुंदर बना है। 5 स्टार। हमारी छोटी नैंसी क्या चाहती है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। चलो इसे जल्दी से बनाकर बेबी को खुश करो। ओके। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी इसे बनाया नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं? मुझे आलू छीलने की जरूरत है, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है। अब मुझे क्या करना होगा? एक फ्राइंग पैन में तेल डालना है। यह बहुत आसान है। हम एक तेल की बोतल लेते हैं और इसे डालते हैं। अब ठीक है, अब स्टोव को पूरा तेज कर देता हूँ और इसमें फ्राइज डाल देता हूँ। नहीं एलेक्स, ये मत करो। क्या, मैंने फ्राइज डाल भी दिया है? ओ नहीं, अरे तेल छलक रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं फ्राइंग पैन फेंक दूंगा। यह बहुत बेहतर है। एलेक्स, यह बहुत खतरनाक था। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह कैसे करना है। कटा हुआ फ्रेंच फ्राइज को तेल में डालना है। हमें सब कुछ सावधानी से करना है।
उसे अब तक तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, फ्रेंच फ्राइज तैयार है। सुपर, हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं और थोड़ा केचप डालते हैं और हमारा काम हो गया। अब मेरी रेसिपी दिखाने की बारी है। मैं बहुत बेहतर कर रही हूँ। मैंने पहले से ही सही आलू पकाया है। अब मुझे बेकन को फ्राइंग पैन में भूनना है। बढ़िया। बेकन में फ्रेंच फ्राइज को रोल करेंगे ऐसे। यह बहुत स्वादिष्ट रोल दिख रहा है। अब हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं और उसके ऊपर बेरी सॉस डालते हैं। ऊपर से थोड़ी रोज़मेरी और मेरी परफेक्ट डिश तैयार है। मैं जरूर जीतूंगी। और एलेक्स क्या कर रहा है? मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मैं गमी केले से फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें बस एक प्लेट पर सब कुछ डालना होगा और बहुत सारा स्ट्रॉबेरी सिरप डालना होगा। तैयार, इसे नैंसी को सर्व कर सकते हैं। वाह, ये सभी फ्राइज बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यह अलग सा दिख रहा है, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। यह बेकार है, मुझे ये पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, यह फ्राइज की तरह दिख भी नहीं रहा है। चलो इसे सॉस में डुबाने की कोशिश करें। वाह, तो यह स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी है। बढ़िया। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, कितना स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज। केचप के साथ इसका स्वाद और भी अच्छा होता है। मुझे वास्तव में पसंद आया। दादी जीत गई। अरे, मुझे पता था। क्या आप जानते हैं मुझे अब क्या चाहिए? मेरे लिए वॉफल बनाओ, सबसे स्वादिष्ट। बहन, यह किया जाएगा। मुझे अंडे चाहिए। हम उन्हें कटोरे में तोड़ते हैं। बढ़िया। और फिर चीनी। क्या हुआ दादी? हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा डाल दूंगा। हालांकि आप जानते हैं मेरी छोटी बहन को सब कुछ बहुत मीठा पसंद है। और अब हमें एक विक्स के साथ सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। लेकिन हमें इसमें आटा डालना होगा ताकि बैटर इतना लिक्विड ना हो। हाँ। ओह, ओह, आटा मेरी नाक में घुस गया। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अरे, मैं आटे में ढका हुआ हूँ। ओह, मैंने अपनी दादी को भी आटे से ढक दिया। माफ करना, लेकिन मेरा डो तैयार है। हमें बस इसे एक वॉफल मेकर में डालना होगा। बढ़िया, मेरे पास जल्द ही दो स्वादिष्ट वॉफल होंगे। दादी, आप कैसा कर रही हैं? मेरा यहाँ सब ठीक है। मैंने पहले ही डो तैयार कर लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट निकला। सबसे सुंदर वॉफल बनाने के लिए सब कुछ वॉफल मेकर में डाल देंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। शेफ, तुम क्या कर रही हो? मैं अब आप देखेंगी, मैं मीठे वॉफल नहीं बनाऊंगी, मैं जुकीनी वॉफल बनाऊंगी। यह बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होगा। मुझे ग्रेट किया हुआ जुकीनी, फिर अंडे, थोड़ा पार्सले और फिर आटे की जरूरत होगी। अब केवल इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए सब कुछ मिलाना है। दो लगभग तैयार है। कितना सुंदर हरा रंग और इसका स्वाद लाजवाब है। अब सब कुछ एक वॉफल मेकर में डालेंगे और फिर इसके पकने का इंतजार करेंगे। मेरे वॉफल तैयार हैं। अब केवल इसके ऊपर मैपल सिरप डालना और फिर ऊपर से बटर का एक टुकड़ा डालना बचा है। एलेक्स, जरा देखो ये कितना प्यारा निकला। ओ नहीं, एलेक्स, तुम्हारे वॉफल में आग लग गई है। क्या, यह नहीं हो सकता, उन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। ओ नहीं, मेरे सभी वॉफल जल गए हैं। नैंसी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। ओह, खैर चलो इसे व्हिप क्रीम की एक बड़ी परत के नीचे छिपाने की कोशिश करें और हम ऊपर बहुत सारे स्वादिष्ट बेरीज डाल देंगे। तब नैंसी को पक्का कुछ नहीं पता चलेगा। जितना मैं कर सकता था मैंने वह सब किया। तुम्हारा डिश भयानक लग रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वॉफल कैसे सर्व करें। ऊपर एक चम्मच सार क्रीम, कटा हुआ चेरी टमाटर और थोड़े से पार्सले। तैयार। इस तरह की डिश सभी खाना चाहेंगे। नैंसी, तुम इसे चख सकती हो। वाह, ये सभी वॉफल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे जल्दी से ट्राई करना है। वाह, बहुत अच्छा। यम्मी। और यहाँ क्या है? ये वॉफल वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था।
स्वादिष्ट है मेरे फेवरेट बेरीज, और व्हिप्ड क्रीम भी है, ये अच्छा है। पर वॉफल कहाँ है? ये कितनी अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। ओ नहीं, ये जला हुआ टुकड़ा क्या है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे अपने मुंह में भी नहीं डालूंगी। और शेफ ने क्या पकाया है? क्या क्या वे हरे हैं? और पार्सली यहाँ क्या कर रहा है? ओह, इसमें जुकीनी है, ये बहुत खराब है। दादी पक्का आप जीत रही हैं। हुरे, मेरा डिश फिर से सबसे अच्छा हो गया। मुझे आप कॉफी चाहिए, क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत आसान और स्वादिष्ट है। बिल्कुल नैन्सी, हम कॉफी बना पाएंगे। ओह एलेक्स, मैं आइस तोड़ रहा हूँ, यह काम किया। हुर्रे, अब हम एक ग्लास में आइस डालते हैं। ग्लास को चॉकलेट सिरप से भी सजाएंगे। ये रहा, पहले चख लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हमने ग्लास को खूबसूरती से सजाया और अब इसमें बहुत सारा चॉकलेट मिल्क और रेडीमेड स्टारबक्स कॉफी डालूंगा। यह कमाल का स्वादिष्ट होगा। बढ़िया, अब व्हिप्ड क्रीम। यम्मी, चलो ऊपर से इसे सजाते हैं। हो गया, अब केवल ओरियोस को ऊपर से रखना है और नैन्सी की फेवरेट कैंडी से सब कुछ सजाना है ताकि उसे ये जरूर पसंद आ जाए। यह अच्छा है, मैं इसे सर्व करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट, यह क्या है? No. नहीं एलेक्स, तुमने फिर से कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे पास इंस्टेंट कॉफी का एक बैग तैयार है। इसे पूरे ग्लास में डालना होगा, इसके बाद इसमें गर्म पानी डालेंगे और ये तैयार। देखो ये मेरे कप में है जिस पर मेरी ड्राइंग बनी हुई है। ऐसा खाना बनाना एक तरह का मजाक है। अब मैं आपको सही रेसिपी दिखाऊंगी जो सभी को निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह कॉफी बनाने का सबसे सही तरीका है। कॉफी बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना जरूरी है, फिर एक ग्लास में इसे डालेंगे और फिर उबलते हुए पानी को डालेंगे। सब कुछ मिलाएंगे और हम इसे मग में डाल सकते हैं। अब केवल इसमें दूध डालना बचा है, पर इसे अच्छे से मिक्स करके झाग बनाएंगे। बढ़िया, इसे डालते हैं और दालचीनी से दिल के रूप में एक सुंदर ड्राइंग बनाएंगे। तैयार। नैन्सी, इसे जल्दी चक्कर बताओ कि यह कैसा है। वाह, यहाँ कितने सारे अच्छे कॉफी हैं। मैं इस कॉफी को अपनी फेवरेट कैंडीज के साथ आजमाना चाहती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यहाँ किटकैट भी है, यह अच्छा है। मुझे इस तरह की कॉफी पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और अब इस कॉफी का समय है। वह कितना प्यारा है, यहाँ एक सुंदर हार्ट भी बना हुआ है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। यह गंदा है, मुझे ये पसंद नहीं आया। उफ। और यहाँ क्या है? वाह, दादी ने निश्चित रूप से इसे बनाया है। ओ नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। चलो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि एलेक्स जीतेगा, उसके पास सबसे अच्छा है। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे चाहिए रोल। क्या आप इसे बनाएंगे? यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आह, यह आसान है। रोल के लिए कुछ चावल उबालने की जरूरत है। मैं भी इस तरह कर सकती हूँ। क्या तुम सही में फिश रोल बनाने जा रही हो? नैन्सी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। हमें मीठे रोल बनाने की जरूरत है। यह असल में स्वादिष्ट होगा। आओ, गमी रिबन और व्हिप्ड क्रीम का उपयोग करने का प्रयास करें। वे सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अब फिलिंग के लिए
गमी आइस और गमी बेयर। अब हमें इसे लपेटना है। वाव, ये अभी से स्वादिष्ट दिख रहा है। चॉकलेट सिरप से ये और शानदार लगेगा। इसे ऊपर डालता हूँ। बिल्कुल सही। तुम्हें ये कैसा लग रहा है? यह भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। वाव, मेरा चावल पक गया है। हम चावल को एक विशेष बोर्ड पर रखते हैं और ऊपर से नोरी की सीड डालते हैं। दादी, क्या आप मेरा नकल कर रही हैं? नहीं, मुझे बस चिंता है कि तुम्हें चोट ना लगे। मैंने पहले ही चावल खुद पका लिए हैं। अब मैं सब कुछ बोर्ड पर रख दूंगी। मैं सब कुछ खूबसूरती से इसके ऊपर सीविड की भी सीड डालूंगी। अब तैयार है। ओह दादी, तुम्हें समझाना मुश्किल है। अब हमें फीलिंग डालनी होगी, कुछ चीज और खीरे। अब सबको मोड़ने की जरूरत है। आप क्या कर रही हैं? मैं भी अभी सभी को मोड़ने जा रही हूँ। चलो, कॉटेज चीज, थोड़ा खीरा, आसान, देखो है ना ठीक। यह अच्छा है कि मैं यहाँ खाना बना सकती हूँ। अब आपको रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं, थोड़ा वसाबी और सोया सॉस डालते हैं। बिल्कुल सही, मेरा सब कुछ तैयार है और ये बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन आपका कैसा बना है दादी? मेरा भी लगभग सब कुछ तैयार है, बस मछली को ऊपर से रखने की जरूरत है। यह भयानक लग रहा है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, मैं खीरे का रोल बना सकती हूँ। इसके लिए बस खीरे को टुकड़ों में काटने और बीच से इसे खाली करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, अंदर में चावल भर देंगे और यह तैयार हो गया। स्वादिष्ट और हेल्दी रोल तैयार है। नैन्सी को जरूर पसंद आएगा। वाओ, बहुत सारे अलग अलग रोल है। मैं मीठे के साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाओ, ये सबसे स्वादिष्ट है। वाओ, यह अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? दादी, यह रोल की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाओ, यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। कूल। अब स्वाद का जानना बहुत जरूरी है। हम एक रोल लेते हैं, इसे सोया सॉस में डुबोते हैं और ट्राई करते हैं। वाओ, अद्भुत स्वाद, मुझे वास्तव में ये पसंद आया। लेकिन कौन सा रोल जीतेगा? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से शेफ जीत रही है। मुझे संदेह नहीं था। और सामग्री की तलाश में भागे। और यहाँ हम किचन में हैं। जरा देखो, यह चिकन कितनी प्यारी है। को को को, मुझे लगता है उसने अंडे दिए होंगे। ओह बढ़िया, ठीक यही मुझे चाहिए। कितने सुंदर काले अंडे। थिंग, ओह धन्यवाद, यही मुझे चाहिए था। इस उपकरण से मैं अंडे को तोड़ लूंगी और सभी सामग्रियों को बाहर निकाल लूंगी। इसमें डालती हूँ अब थोड़ा आटा। ये नीट, तुम्हें क्या चाहिए? अपना डो बनाओ। मुझे आटा काला करने के लिए कुछ एक्टिव चारकोल की गोलियों को पीसने की जरूरत है। इस बैट की मदद से मैं इसे पीस दूंगी। ये रहा बैट, अब मैं इसे पीसूंगी। बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। मुझे कुछ भी तोड़ना और काटना बहुत पसंद है। अब आटे में सब कुछ डाले। ओह, मुझे पता है कि अब तुम्हें मिक्सर की जरूरत होगी, है ना? नहीं, मेरे पास थिंग है। चलो थिंग दो बनाओ, वह इसे किसी भी मिक्सर से बेहतर तरीके से संभाल सकता है। बढ़िया, और अब हमें टाइम सेट करने की जरूरत है ताकि डो को तैयार होने का सही समय मिले। वाह, यह अच्छा है। ओ, कितने जोर से, वैन से इसे बंद करो। बढ़िया, मेरा डो बढ़ गया है। अब हमें इसे आटे के साथ टेबल पे रखना होगा और इसे अच्छी तरह से रोल करना होगा। ओ नहीं, वेंसडे, डो के नीचे थिंग है, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। वेंसडे, बस करो। ओह बेचारा थिंग, वेंसडे इसे रोको। तुम क्या कह रही हो? ओ माफ करना थिंग, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। बस इधर आ जाओ, हटो। मैंने डो तैयार कर लिया है, अब मुझे साइड बनाने की जरूरत है। मैं एक अद्भुत पिज्जा बनाने जा रही हूँ। तैयार। तुम्हें क्या लगता है इनीट? अरे इनीट, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा पिज्जा बहुत काला दिख रहा है। मेरा चिकन कहाँ है? वाह, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि टेबल के नीचे बहुत ट्रीट्स है।
ओह वाह, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मुझे भी देखना चाहिए। ओके, चलो देखती हूँ। यहाँ पूरी तरह से खाली है। इनिट, तुम कुछ ज्यादा ही कल्पना में जीती हो, लेकिन मेरे पास बास्केट भरकर अलग अलग तरह के ट्रिक्स है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे सभी गुलाबी मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। Awesome! मुझे इसे थोड़ा चखना चाहिए। वाह, कितना स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। हम इसे सॉस पैन में डालते हैं। ओह, उधर देखो कितना अच्छा, मैंने सभी मार्शमेलो को पिघला दिया है। अब सब कुछ मोल्ड में डालेंगे और उसके जमने का इंतजार करेंगे। मुझे पता है कि मुझे अभी भी किनारों पे कुछ काम करना है। मैं उन्हें मार्शमेलो ब्रेड से चारों ओर से घेर दूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट है और ये कितना सुंदर दिख रहा है। वेंसडे, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तुम्हारा पिज्जा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं एक मॉन्स्टर पिज्जा बना सकती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे डो पर टमाटर का पेस्ट डालना होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे इस बेवकूफ जार को खोलना होगा। चलो खोलो। ओह थिंग, मेरी मदद करो। वाह, यह कुछ अलग सी चीज है। चलो इसे खोलने की कोशिश करें। वाह, यह काम किया, धन्यवाद थिंग। अब हमें डो पर टमाटर का सारा पेस्ट डालकर फैलाना है। तैयार। अब मुझे कच्चा कीमा मीट चाहिए। इसे आटा पर रखा और एक भयानक खोपड़ी की मूर्ति बनाई और इधर आंखें बना देती हूँ। हाँ, डर गए। अब हमें बेकन के साथ सब कुछ कवर करने की जरूरत है, जैसे कि एक कंकाल की त्वचा हो। अब बस उंगलियां बनाने हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम है। मैं उंगलियों के आकार को काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल करूंगी। तुम्हें क्या लगता है, यह उंगलियों की तरह दिख रहा है? मुझे यह बहुत समान लग रहा है। इसे पिज्जा पर फैलाएं। अब बस इसे पकाना बाकी है, लेकिन मैं इसे अपने बर्नर की मदद से करूंगी। यह इस तरह से बहुत तेज होगा। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। हम आंखें और दांत डालेंगे। कुछ और आंख जोड़ना जरूरी होगा। इनिट, मेरा काम हो गया। हाँ, यह पिज्जा बहुत डरावना लग रहा है। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे प्यारा पिज्जा दिखाती हूँ। मुझे अपने रंगीन चॉकलेट को पिघलाने की जरूरत है। मेरा केतली इसके लिए एकदम सही रहेगा। हम सभी चॉकलेट अंदर डालते हैं और अब केतली को ऑन करना है ताकि पानी उबल जाए। ये थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। हाँ, मेरे बैकपैक में एक पॉपिट था, मुझे उसे निकालना होगा। मेरे पास यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस गंदगी को साफ करना हमेशा भूल जाती हूँ। हुर्रे, मुझे मेरा फेवरेट पॉपिट मिल गया। अब हमें चॉकलेट लेनी है। क्या वे पिघल गए हैं? हाँ, कैंची से टिप काट ले और चॉकलेट को पॉपिट में डाले ऐसे। वाव, सुपर, मैंने ये कर लिया। मुझे उसे निकालना होगा। ये बहुत अच्छा दिख रहा है और अब इसे पिज्जा पर डालते हैं। वाह, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हमें स्किटल्स भी जोड़ना है, लेकिन पहले मैं इसे चख लेती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। और अब हम इसे पिज्जा पर खूबसूरती से फैलाते हैं। ये बहुत सुंदर रेनबो बना है। तैयार। और बाकी जगह पर मैं रंगीन मार्शमेलो भी डालूंगी। यह भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वाह, सब और रख देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं थक गई हूँ। वेंसडे, हमने कर लिया। हाई फाइव। आपको हमारा पिज्जा कैसा लगा? कमेंट्स में लिखिए आपको किसका पिज्जा ज्यादा पसंद आया है। मुझे अपने दोस्तों को पिज्जा पार्टी में बुलाना चाहिए। वे जरूर आना और इसे खाना चाहेंगे। मैं भी बुलाऊंगी। वाह, उन्हें मेरा पिज्जा पसंद आया। क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो? अरे दोस्तों, सभी का स्वागत है। चलो पिज्जा ट्राई करो। कौन सा चुनोगे? वाह, तुम्हारे पिज्जा बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनिट का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलो चख कर देखती हूँ।
मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। वाह, मेरा पिज्जा भी स्वादिष्ट है, इसे ट्राई करो। बस ज्यादा शोर मत करो, नहीं तो हेड मिस्ट्रेस जाग जाएगी और तुम सभी को सजा मिलेगी। मैं देख रही हूँ कि सभी को पिज्जा समान रूप से पसंद है, इनिट और वेंसडे दोनों के पिज्जा। कूल, चलो मजा करें। वाह, मैं भी इसे चक्कर देखती हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, मैंने अच्छा किया है। वाह इनिट, तुम्हारा पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। वाह, सच में यह सब बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वेंस जी, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हें मेरे दांत कैसे लगे? वेंस जी, चलो बदले। इनिट और मेरा स्वाद समान नहीं है, लेकिन मैं इसे चखूंगी। वाह यह स्वादिष्ट है। इनिट, तुम्हारी रेसिपी कोई बुरी नहीं है। अब चलो एक साथ डांस करते हैं। वाह कितना मजा। ओह दोस्तों शोर मत करो। ओह तुम्हें डांस करना बिल्कुल नहीं आता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सबसे महत्वपूर्ण नियम को तोड़ा है, तुम रात 11 बजे के बाद शोर नहीं कर सकते। तुम्हें इसी समय सब कुछ साफ करना होगा, जल्दी करो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल नहीं बुलाऊंगी, लेकिन फिर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुमने अच्छी तरह से सफाई की।